मध्य प्रदेश शासन द्वारा मिलने वाले गरीबों के राशन में मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी तहसील के विक्रेताओं द्वारा भ्रष्टाचार करने व अन्य लापरवाही की शिकायतें ग्रामीणों द्वारा SDM देवरी से आए दिन की जा रही हैं। देवरी क्षेत्र में राशन दुकान विक्रेताओं की राशन में 5-6 माह के राशन न मिलने व प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलने वाले 10 किलो प्रति व्यक्ति दिया जाना था, मगर आज तक नहीं दिया गया व अधिकारियों द्वारा जाँच के नाम पर दिखावा किया जाता है। देवरी क्षेत्र के समनापुर, सहजू, जेतपुर, पिपरिया, बेलडाना, नयनगर आदि 4 राशन दुकानों की शिकायतें ग्रामीणों द्वारा सैकड़ों की संख्या में आकर SDM से की गई, जिसमें जांच के आदेश दिए गए थे, जिसकी जांच खाद्य अधिकारी देवरी द्वारा की गई, मगर जांच में लापरवाही पर कार्यवाही नहीं हुई। समनापुर, सहजू राशन दुकान के मामले में तो सरा दलपत के ग्रामीणों द्वारा तो आरोप लगाया जा रहा है कि जांच में उनके बयान लिए जाते हैं जो विक्रेता के खास होते हैं और उन्हीं के बयान लेकर शिकायत का निराकरण कर दिया जाता है, जबकि जांच के बाद भी ग्रामीणों को आज तक राशन नहीं मिला जो शासन प्रशासन से राशन की उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं। हमारा नाम प्यारी लाल। क्या समस्या लेकर? हमारे लिए समस्या जाए राशन, जो दुकान को राशन मिला था सरकार की तरफ से वो नहीं जाओ ने जून से। अच्छा। हम लोगों ने गाय पीसी दे दी और चावल उन्होंने दाए नहीं और मट्टी को तेल हमारे गाय नहीं है और गाय ले अभी सुझाव नहीं है और जित लीटर है चढ़ा 2 लीटर। अब ज़्यादा हमारे पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा बातचीत कराते हैं तो उन लोगों को खराब भी लगता है, तो बेहतकार करते हैं, इस प्रकार के हम लोगों को अपमानित कर देते हैं, वो भगा देते हैं, हमारे भग जाते हैं। आज भी हमारे आज की तारीख में 17 तारीख की भी हम लोगों ने शिकायत करी थी तो उस टाइम पर मीडिया गई थी, मीडिया ने हम लोगों को सबका सबूत बनाया, प्रत्येक दुकान की जाँच करवाई, दुकान पर दिखवा ताल होता रहो। आज हमारे जो 23 तारीख में आज हमारे से आए ADM साहब के ना, ADM साहब ने जब भी बता दी ना कि माँ हम लोगों को बोलन भी नहीं देती और कहते हैं जब तुम लोगों को हम लोग का हम घर में बांटे, उन्होंने ही सुनाई समस्या और 1 जुलाई को सामान अभी तक लोग नहीं गाँव है, वो खा भी पीजिए, हम लोग परेशान है, गरीब आदमी है, हम लोगों के पास खेती बाती है, हम लोगों तो आप अपने हाथों से गुजारा करते हैं, इस प्रकार की भी हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और हम ही पंचायत को बता रहे हैं कि मशीन बंद है, बाकी पंचायतों में मशीन बंद है, हमें जेतपुर में मिल चुके सब सामान बदस्त है और चावल भी नहीं मिल रहा, इस प्रकार के हम परेशान हैं और आपके सामने आए। उम्मीद लेकर आप यहाँ आए थे SDM कार्यालय, तो यहाँ भी आप लोगों को उम्मीद पे खरा नहीं उतरी? उम्मीद पे हम लोग नहीं खरा नहीं उतरे सर, हम लोग जैसे भी कहती है सही नहीं कहती, डांट पीटती बड़ा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग जो चाहते हैं कि 10 किलो चावल वो मिलने चाहिए और जून को चावल मिलने चाहिए और जुलाई की किसी चावल और शक्कर नवाए के और मिट्टी के तेल ये चीज़ मिल रहा है और दाल है। राशन दुकानों से संबंधित आए SDM महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है, उनके द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि जांच रिपोर्ट तैयार कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, तो क्या आपने पाया वहाँ पे मौका स्थल पर पहुँच कर? समनापुर साजू दुकान में जो सरदा दलपतपुर के ग्रामीणों ने जो शिकायत की थी, तो उन वो जांच के टाइम पे उन लोगों के बयान ना लेके उनके दुकानदार के पक्ष के बयान लिए गए। ऐसा कुछ नहीं है, दुकानों में जहाँ जहाँ जितने लोग पाए गए थे उन सबके बयान लिए गए। ग्रामीणों का तो ये याद हो तो उनको आज भी राशन नहीं मिला, अभी तक राशन नहीं मिला है, इसीलिए जाँच करी गई थी और इसीलिए उसके विरुद्ध में प्रकरण तैयार किया। मैम जैसे उनने 4-6 माह पहले की शिकायत की थी राशन नहीं मिला, लेकिन अभी से उनका लगातार इस माह का भी राशन नहीं मिला, ऐसे मतलब स्थिति जांच ही में चलती रहेगी क्या? आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? तो आप लोग निर्देशित तो करते होंगे ना विक्रेता को, तो उसके बाद भी ये नहीं होता राशन रहे तो हम उनका फिर प्रकरण फिर से बनाएंगे, तो अब इसके बाद न्यायालय का कार्य होता है कि न्यायालय उसको हटा दे उधर। लेकिन जांच टाइम पे आप लोग जाते हैं तो निर्देशित तो करते हैं कि ग्रामीणों को राशन दिया जाए, उसके बाद भी यदि विक्रेता नहीं मान रहा तो ये गलत है। नहीं मान रहा है तो तभी तो प्रकरण बनाया जा रहा है ना, उसका प्रकरण बना रहे हैं, प्रकरण बना के पंजीबद्ध कर दिया, आगे न्यायालय का कार्य है कि न्यायालय उसमें क्या करता है, अगर वो दोषी पाए जा रहे हैं तो उनको हटा देना चाहिए, सीधी बात है, अगर बार बार कोई प्रकरण आ रहा है वो सही बात कर रहा है। तो आपकी रिपोर्ट जो आपने जो रिपोर्ट दी है तो उसमें दोषी पाया जा रहा है क्या आपके हिसाब से? इसकी कॉपी आप न्यायालय से ले सकते जो भी हमने धन वितरण को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है, लगभग मेरे अंदाज से 4th शिकायत अब तक आई है और इसमें कुछ जाँचें भी आपके द्वारा निर्देशित किया गया था जांच कर कार्रवाई के लिए, कुछ
क्या कार्रवाई उसकी की जा रही है और क्यों ये शिकायतें लगातार आ रही हैं? अब शिकायतें क्यों आ रही हैं इसका उत्तर मेरे पास नहीं रहेगा, तो उस व्यक्ति जो आ रहे हैं उनके निर्भर करता है कि उनको क्या समस्या थी। जहाँ तक ज्ञापन आने की बात है तो आज परिया के लोगों ने आके ज्ञापन दिया हुआ है, तो वहाँ जो प्रधानमंत्री वाला चावल जो 10 किलो नहीं हुआ है और अभी तक यह उनकी फिक्र नहीं। GSO से मैंने जानकारी ली तो अभी जून का गेहूँ वहाँ दिन का खर्चा पहुँचने में, और जहाँ तक चावल की बात है तो POS मशीन पे 5 किलो वर्ष 10 की मान से प्रदर्शित हो रहा है। 5 किलो की मान से ही वितरित कराने के निर्देश दिए गए हैं। बाकी और विक्रेता के संबंध में भी ये चीज़ें लिखी गई हैं कि 5 किलो उसके लिए जाँच कराई जाए। दो दुकानों के संबंध में पहले भी ज्ञापन आया था, एक समना को सहायू की जाँच रिपोर्ट जिला से दल गठित किया गया था, उसकी जाँच रिपोर्ट कल प्राप्त हो गई है, और बाकी दो दुकानों के और हैं जैसे कि आपको जांच रिपोर्ट प्राप्त तक पहुंची है तो उसको क्या पाया आपने और क्या अभी अभी पाया नहीं जाता। अब जांच रिपोर्ट के बाद प्रकरण हमने आज पंजीबद्ध किया और न्यायालयीन प्रक्रिया है, उसमें नोटिस दे। अच्छा, जैसे सर कार्रवाई जैसा समनापुर साहिजू का मैटर था वो, उसमें आज भी सरदार दलपतपुर के ग्रामवासियों को राशन नहीं मिला। अब वो हमारे पास आज ही नई सामग्री बढ़ रही थी, उसी के संबंध ज्ञापन आया था, उसी की जांच कराई गई है। आज मैंने कहा पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है।